गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे फॉरेस्ट्स के बारे में कि नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसके बाद आता है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको रेनफॉल, उसके बाद एरिया, और उसके बाद वहाँ की जो वेजिटेशन है, प्लांट्स कौन कौन से होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद फिर वहाँ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी रहता है कि कौन से फॉरेस्ट में जो है कमर्शियल यूज़ के लिए ट्रीज़ वो है प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। देखिए, माउंटेन्स एरिया आपको पता है, जैसे जैसे हम जाएंगे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, तो फिर वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन में भी तो चेंज आएगा। तो इस तरह से जो चेंज आता रहता है, तो ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है। और इस तरह से द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स। तो ये जो आपको वेट टेम्परेट जो फॉरेस्ट है वो हमें मिलेंगे कितनी हाइट पर, 1000 से लेकर 2000 मीटर्स तक। उसके बाद एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट। उसके बाद अगर हम बात करें 1500 से लेकर 3000 मीटर्स तक टेम्परेट फॉरेस्ट्स कंटेनिंग कनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये था वेट टेम्परेट। वेट टेम्परेट जो ग्रासलैंड है, ये माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ग्रासलैंड नहीं, सॉरी। तो वेट टेम्परेट जो फॉरेस्ट हैं वो हमें मिलेंगे 1000 से लेकर 2000 मीटर्स तक, ठीक है। उसके बाद 1500 से लेकर 3000 मीटर्स तक टेम्परेट फॉरेस्ट्स कंटेनिंग कनिफेरस फॉरेस्ट लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर आर फाउंड। उसके बाद हिमालयाज में ये मोस्टली पाए जाते हैं, सदर्न स्लोप्स में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एट हायर एलिवेशंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। तो ज़्यादा जो हाइट पर हम जाएंगे, एलिवेशंस मीन्स हाइट के ऊपर हम जाएंगे, तो वहाँ पर हमें टेम्परेट ग्रासलैंड भी मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। तो 3600 मीटर के ऊपर हमें कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, अल्पाइन वेजिटेशन। तो इसमें फिर हम देखेंगे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स एंड ब्रीचेज आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट्स। तो अल्पाइन वेजिटेशन आ जाती है जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है, जहाँ पर स्नोफॉल होता है, वहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन हमें मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड्स उसका यूज़ कौन करता है और कैसे होता है, देखिए। तो जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स रखते हैं अपने पास, चाहे वो हॉर्सेस हों, काउज हों, बफेलोज। तो वो हैं गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। हायर एल्टीट्यूड पर मोसेस एंड लिकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो ज़्यादा हाइट के ऊपर फिर क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन आ जाती है। ये वही है टुंड्रा वेजिटेशन जहाँ पर स्नोफॉल होता है। और यहाँ के एनिमल्स जो दे रखे हैं, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, ये सभी एनिमल्स आपको यहाँ पर नेम उनके दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, देखिए, मेन इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। तो टाइड्स आपको पता है क्या होते हैं, जैसे ही शी का जो वाटर है वो ऊपर जाता है दिन में और फिर नीचे आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच पोस्ट्स।
तो जो कोस्ट होते हैं ना रिवर के या जो सी के ओशन के, तो उसके किनारों पर क्या हो जाता है, जो मड और सिल्ट जो है वो इकट्ठी हो जाती है, कंकर या मिट्टी रेत। तो डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो इनके प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं। द डेल्टाज ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाई सच वेजिटेशन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में और बंगाल के अंदर है, वहाँ पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं जो हमें हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर ये भी पाए जाते हैं वहाँ पर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो फेमस है, इन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नैक्स आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, और ये भी उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट आपको पता है, देखिए जनरल रूटीन में हम कुछ ट्रीज़ देखते हैं, जैसे जो ट्रीज जो जनरल जो कॉमन है, एक तो हम बबूल देखते हैं, एक नीम देखते हैं और एक तुलसी देखते हैं। तो देखिए बबूल और नीम का आपने देखा होगा कि हम कई बार अपने दांत साफ़ करने के लिए दातुन का यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जो हमसे बड़े हैं, और कई बार हम खुद भी इसका यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों में, बीमारियों में जो बबूल है, जो नीम है, उसके पत्तों का रस निकाल के उसका यूज़ किया जाता है। इस तरह से तुलसी है, तुलसी का जो उसका रस निकाल कर काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। मेनली कफ एंड कोल्ड में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से सर्पगंधा है, जामुन है, कचनार है, अर्जुन है, तो ये सारी चीज़ें इनका मेडिसिंस में यूज़ किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी वाइल्ड लाइफ के बारे में कल पढ़ेंगे।